प्रिय अभ्यर्थियों तो फिर आप खुद विचार करें कि आखिर कौन सी पत्रिका आप पढ़ें विश्वास करें 2012 में 2012 में मैंने अभिव्यक्ति पत्रिका अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेस के रूप में एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया आप देख सकते हैं 2013 में यूपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुरूप इसे मैंने ढाला इसे मैंने ढाला यानी कहने का मतलब है कि यह पत्रिका प्रश्न पत्र एक प्रश्न पत्र दो प्रश्न पत्र तीन प्रश्न पत्र चार निबंध और वैकल्पिक विषय इन सभी में करंट अफेयर्स के मुद्दों को किस प्रकार से डाला जाए यह पैटर्न प्रारंभ किया कहने का मेरा मतलब है कि मेरी पत्रिका में 2013 में जब यूपीएससी ने सिलेबस बदला तो फिर उसी बदलाव के अनुरूप मैंने अपनी पत्रिका को बदला और ऐसा करने वाला मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की प्रथम पत्रिका हिंदी भाषा की यही थी और उस समय जिस स्तर पर अभिव्यक्ति पत्रिका की बिक्री हुआ करती थी आप विश्वास नहीं करेंगे इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में और वहीं से मुझे प्रसिद्धि मिली वहीं से मुझे मुखर्जी नगर में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करना और उसके बाद गुजरात में अहमदाबाद में या फिर अन्य क्षेत्रों में मेरी एक अच्छी पहचान बनी क्यों क्योंकि अभिव्यक्ति पत्रिका का जो प्रस्तुतिकरण करने का ढंग था प्रश्न पत्र एक दो तीन चार निबंध के अनुकूल था और अभी मैंने हाल फिलहाल में वैकल्पिक विषय जो भी आपके होते हैं उसमें कौन सा घटनाक्रम किस प्रकार से यूज होगा वो भी मैंने प्रारंभ कर दिया तो यानी मेरा कहने का का मतलब मतलब था कि कि पत्रिका वही पढ़े जो इस इस पैटर्न पैटर्न पे हो इस का मतलब होता है कि जिसमें इतिहास का कोई या संस्कृति का कोई समसामयिक घटनाक्रम यदि चर्चा में हो तो उसको लेकर के क्या बनाया गया हो उसको लेकर के कि भाई प्रिलिम्स में यहां से कौन सा क्वेश्चन बनेगा मेंस में यहां से किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा और इसका फॉर्मेट भी आप, आप फॉर्मेट करके पत्रिका निकालता है कर पहुंच तो बिल्कुल भी नहीं है और जितने भी सीनियर स्टूडेंट हैं जो मुख्य परीक्षा या इंटरव्यू या सेलेक्ट हो रहे हैं हिंदी मीडियम में सबकी पहुंच उन तक है क्योंकि अधिकांशतया मुख्य परीक्षा में मेरे पास संस्थान में मार्गदर्शन के लिए या परस्पर हम एक दूसरे को सहयोग करने के लिए वो आते हैं और उन सबसे बातचीत के आधार पर ये बात मैं कह रहा हूं कि नया अभ्यर्थी तो इस पत्रिका तक पहुंचता ही नहीं लेकिन यदि वो पहुंचता है तो फिर सीधा ऑफिस में आता है मुखर्जी नगर में कि सर गजब का आपने बनाया हुआ है यह पैटर्न तो आप विश्वास करें पत्रिका वही पढ़ें जो इस पैटर्न को फॉलो करता हो यानी जैसे समाज है तो समाज की जितनी भी यूनिट्स यूपीएससी ने सिलेबस में दी हुई है इस यूनिट के हिसाब से मेंस और मेंस के प्रश्न का फॉर्मेट और फिर उसके बाद यहां से इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं दिया रहता हूं कहा है आप लोग दुख होता है नई पीढ़ी से कि आप एकदम कोचिंगों के भंवर जाल में विज्ञापन के भंवर जाल में बिल्कुल कहीं ना कहीं उलझ रहे हैं हम लोगों को भी जो नए लोग हैं जो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं उनको भी आपको सुनना होगा और जब आप सुनेंगे तभी आपको क्वालिटी का एहसास होगा कि यार जो नए लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम है वो भी क्वालिटी में अन्य लोगों से बेटर हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है तो आप ऐसी पत्रिका का चयन करिए जिसमें खंडवार हर चीज दी हुई है यही चीज भूगोल के साथ भी होती है सेम कि प्रिलिम्स में मेंस में इंटरव्यू में कैसे प्रश्न कोई भी मुद्दा दिया गया जो चर्चा में है कि प्रीलिम्स में यहां से कैसे प्रश्न बन सकता है मुख्य परीक्षा में कैसे प्रश्न बन सकता है मुख्य परीक्षा में बने हुए प्रश्न का फॉर्मेट और उसके बाद साक्षात्कार में यहां से कैसे प्रश्न बन सकता है यही बात प्रश्न पत्र दो के सभी खंडों में यही बात प्रश्न पत्र तीन के सभी खंडों में यही बात प्रश्न पत्र चार के लिए भी जो मैंने अभी कहा उदाहरण स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पत्र चार के लिए यही बात निबंध के लिए और अब अंक से यही बात विषयों के बारे में भी शत्य साबित हो रही है जिसे मैंने स्थापित किया हिंदी माध्यम में वैकल्पिक विषयों को लेकर के हमेशा से एक शिकायत रहती कि करंट से अपडेट नहीं होते करंट से अपडेट नहीं होते मैंने वैकल्पिक विषयों को करंट से अपडेट करने की मुहिम अंक छियालीस सैतालीस से प्रारंभ कर दी है आप जाकर के बुक स्टॉल से किताब को देख करके और उसके बाद इसका मूल्यांकन कर सकते हैं तो प्रिय अभ्यर्थियों आप ध्यान रखें कि पत्रिका वो पढ़ें जो पत्रिका यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करती हो कंटेंट के बोझ में लदे नहीं विज्ञापन के अनुसार जो पत्रिका ज्यादा बिक रही है मैं यही नहीं कहता हूं कि आप उसको ना लें, लेकिन आप जब दुकान पर जाएं तो सभी पत्रिकाएं एक दो तीन हाथ में रख करके मूल्यांकन करें और अभिव्यक्ति को भी रखें और उन मुद्दों से अभिव्यक्त पाक्षिक पत्रिका को आप तुलना करें और यदि मेरी पत्रिका पसंद नहीं आती तो आप बिल्कुल ना ले। लेकिन आप विश्वास करिए कि क्वालिटी में गुणवत्ता में अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज पाक्षिक पत्रिका सबसे आगे निकलेगी और उससे भी आगे इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करने में निकलेगी जिस प्रकार के प्रश्न मैं बनाता हूं आप विश्वास करें ये कोई घमंड नहीं है ये सिर्फ क्या है है आपको जो जो मेरी हिंदी माध्यम के के प्रतिबद्धता मेरा दर्द वो थोड़ा आवेश में आकर आपसे बातचीत कर रहा है आप विश्वास करें कि ढेर सारी पत्रिके आई फिर हमारा रिजल्ट क्यों खराब होता चला जा रहा है मुख्य परीक्षा बिल्कुल साफ होते चले जा रहे हैं क्यों क्योंकि हम कंटेंट के बोझ से लाद दिए जा रहे हैं हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हमें कुछ और भी सोचना है तो आप प्लीज बिनम निवेदन है कि एक बार दुकान पर जाए तो अभिव्यक्ति को भी ले और अन्य पत्रिकाओं को भी लें दोनों को ऐसे हाथ में लें और उसके बाद मूल्यांकन करें क्या करें मूल्यांकन करें कि क्या अभिव्यक्ति जैसा सुनील सर ने कहा था है, यदि नहीं है तो आप मत लीजिए क्योंकि आपका भविष्य ही सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन आप विश्वास करिए आप लेंगे चूंकि उन तुलनात्मक पत्रिकाओं में यूपीएससी की रणनीति के हिसाब से प्रश्न पत्र वन टू थ्री फोर वैकल्पिक विषय निबंध और प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू इन दृष्टियों से अभिव्यक्ति पिछले पांच वर्षों से अपनी एक मजबूत पहचान सीनियर अभ्यर्थियों में बनाए हुए जो भी सीनियर अभ्यर्थी मुखर्जी नगर में हैं आप यदि किसी से भी पूछेंगे एक दो अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग अभिव्यक्ति पत्रिका के बारे में आपसे अच्छी सी बातचीत करेंगे तो जो रीजनल सेंटर्स पे बच्चे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि क्योंकि आपकी पहुंच कोचिंग तक भी नहीं हो पा रही है ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि आप उस पत्रिका के माध्यम से आप कोचिंग की शैली में ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं यदि आप दूर बैठे हैं और अभिव्यक्ति पढ़ते हैं तो किसी से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उसमें प्रश्न पत्र एक दो तीन चार निबंध वैकल्पिक विषय सबके बारे में कंटेंट भरे पड़े होते हैं और वो क्या होते हैं जो डिमांड और सप्लाई होती उतने ही होते हैं हो सकता है किसी अन्य पत्रिका में आपको पॉइंट 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 में एक ही मुद्दे के पचास पॉइंट मिल जाए और वो हमें अट्रैक्ट भी करते हैं लेकिन आप मुझे बताएं कि प्रश्न कितने शब्दों में लिखने होते हैं कृपया प्लीज बताएं जो यूपीएससी प्रश्न पूछता है वह कितने शब्दों में लिखने होते हैं या तो 150 में या तो 200 में अब आप मुझे बताएं मेरे प्यारे अभ्यर्थियों कि 150 और 200 में लिखने के लिए किसी टॉपिक को कितने पॉइंट की जरूरत होती है तीन से चार और उसको एनालिसिस करना होता है एनालिसिस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपकी पर्सनालिटी उभर करके सामने आती है कि आप एक अच्छे सिविल सेवक की योग्यता रखते हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त होता है तो मेरे प्रिय अभ्यर्थियों डेढ़ 200 दो शब्द में लिखना है और आप क्या कर रहे हैं कि फोटो स्टेट की दुकानों से कंटेंट लेकर के और उनके पॉइंटों में उलझे पड़े कितने पॉइंट आप कहां लगाने हैं ये कौन सिखाएगा वो कंटेंट तो आपके पास इकट्ठा हो गया लेकिन वह कंटेंट प्रश्न पत्रिक में दो में तीन में चार में निबंध में वैकल्पिक विषय में लगेगा कैसे आपने पढ़ तो लिया ये खोज हो गया ये आविष्कार हो गया ये जो है एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हो गया ये पॉलिटिक घटनाक्रम हो गए हेड स्पीच हो गया क्या ढेर सारे मुद्दे परंतु वो यूज कैसे करेंगे किस यूनिट में लगेगा यूनिट बाय यूनिट एकमात्र पत्रिका अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज है जो चारों प्रश्न पत्र को कोई भी कंटेंट अगर लेकर के आती है तो यूनिट बाई यूनिट वहां से रहता है और दूसरी बात क्या है कि जो जब भी एग्जाम होते हैं वो चाहे तेरह चौदह पंद्रह आप देखें हमारी पत्रिका से अधिकतम क्वेश्चन सीधे सीधे जो प्रश्न मैंने बनाए वही प्रश्न पूछे गए हैं और मैं ये सब आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से पत्रिका से क्वेश्चन पूछे गए तो बस आप सबसे अनुरोध है कि यदि अभिव्यक्ति नहीं खरीद रहे हैं तो एक बार अभिव्यक्ति पत्रिका को दुकान पर जाएं और उठाएं और मूल्यांकन करें अच्छी लगती है तो खरीदें नहीं तो जिसको भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं धन्यवाद नमस्कार